स्टूडेंट्स, सेफ्टी की क्लास आज जो है आपकी स्पेशल, थोड़ी सी स्पेशल है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। सेफ्टी क्या है, एक्सीडेंट क्या है, ये वो सबसे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया सेफ्टी का। पहले चैप्टर में से जो भी आपका कुछ भी सीखना बाकी, इससे पहले जितनी सेफ्टी की वीडियो है ना, सब फर्स्ट चैप्टर की हैं। आज फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, सेकेंड चैप्टर लगा रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। JSA जो ऑलरेडी सेफ्टी में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को पता है JSA क्या है, लेकिन सबको बनाना नहीं आता है। नौकरी लगने के बाद, सेफ्टी में काम करने के बाद भी कुछ लोगों को JSA बनाना आ जाता है, लेकिन अभी भी बहुत भाई हमारे ऐसे होते हैं उनको नौकरी के बाद भी कम्प्लीटली बड़े अच्छे से JSA नहीं आता है, क्योंकि उनके कॉलेज में, उनके कैंपस में, इंस्टीट्यूट में वो चीज़ प्रॉपरली नहीं सिखाई गई, नहीं बताई गई। किताबों से पढ़ के या देख के JSA नहीं बनाया जा सकता, उसको समझना पड़ेगा। अगर समझ आ जाता है तो JSA बन जाएगा। अब पहले अब इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, अब सुनो बस ध्यान से। JSA ना, ये वही जादू है जो मैंने शुरुआत में बताया था। कोई शुरू का कैंडिडेट अगर बैठा, तो शुरुआत में मैंने बोला था, देखो सेफ्टी ऑफिसर के पास ना एक जादू होता है। एक जगह पे खड़े खड़े या एक जगह पे प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो हर जगह मौजूद होता है, बिना किसी CCTV कैमरे के, बिना तीसरी आँख के। और एक सेफ्टी ऑफिसर को ये पता होता है कि मेरी साइट पे कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है और कहाँ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखो एक साइट के ऊपर, एक प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग होते हैं ना, उतने ही टाइप की एक्टिविटी चलती है। 5-10 आदमी किसी अलग काम में लगे होते हैं, एक्सकावेशन में, कुछ 2-4 और बिजली के काम में लगे होते हैं, कुछ 5-7 टेक्निकल काम करते हैं, कोई मैकेनिकल काम करता है, कोई मशीनों पर प्रोडक्शन में लगा होता है, कोई डंपर गाड़ियाँ चलाने में, ड्राइविंग के काम में होता है, कोई सामान ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ ढोने के काम में लगा होता है, कोई ऊपर हाइट पर काम कर रहा था, कोई अंदर जो है कन्फाइंड स्पेस में या सिलेंडरों में या कहीं जो है टैंकों के अंदर घुस के काम करता है। मतलब कि बहुत तरह के काम एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक साइट पे, एक कंपनी के अंदर चलते हैं। तो एक आदमी, एक सेफ्टी ऑफिसर बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा? एक को देखने जाएगा, क्या पता जब तक दूसरी जगह में गड़बड़ हो जाएगी। आदमी है ना, काम करेंगे तो चोट भी लगेगी, एक्सीडेंट होगा ना, काम है तो। देखो काम करते हुए एक्सीडेंट होता है, खाली बैठे बैठे क्या होना है। अब काम कर रहे हैं, सारे काम रिस्की होते हैं कंपनी में, इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर तो सभी रिस्की हैं, हर काम में रिस्क है। तो जहाँ रिस्क है वहाँ हैजार्ड है। अब जहाँ हैजार्ड है वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है। अब जहाँ एक्सीडेंट होगा वहाँ चोट भी लगेगी। तो अकेला आदमी कहाँ कहाँ भागेगा, किधर जाके क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करेगा? तो उसको ना जादू सिखाया जाता है, वही हम लोग सिखाते हैं। अब मैं वही सिखाऊंगा आपको, जादू, काला जादू नहीं, बंगाल का जादू नहीं है, दिमाग का जादू। अब वो चीज़ मैं सिखाऊंगा कि मैं सेफ्टी ऑफिसर, ये सब जो मैंने बताया ना, देखो पॉसिबल है नहीं सच में, असंभव जैसा लगता है कि एक आदमी जहाँ 500 मजदूर काम करते हो, 500 बहुत होते हैं भाई, गांव में पंचायत हो ना तो मुश्किल से 500 आदमी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पूरे गाँव में मुश्किल है 1.5-2 हज़ार रुपये तो वोट ही होती हैं, रुपये बोल गया, सॉरी 1.5-2 हज़ार ही वोट होती है ना। तो सोच के देखिए 500 आदमी एक जगह में, और वो भी काम कर रहे हैं, बैठे नहीं है जिसको समझाना है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, किस किस को देखूं बार बार के, है ना? लेकिन अपने पास कुछ ऐसे ट्रिक होती हैं, ऐसे जादू होते हैं जो हम कहीं भी हों अपने को पता चल जाता है किधर क्या हो सकता है, किधर क्या होने वाला है, और मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। उधर बैठे बैठे अपना जुगाड़ हो जाता है, ये सच में जादू ही तो है। कोई कैमरा नहीं लगा हुआ लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पे 10 आदमी काम करो, क्या काम कर रहे हैं, अगर ये पता है ना कि वहाँ क्या काम कर रहे हैं और कौन लोग कर रहे हैं, मुझे पता है वहाँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, गारंटी है इस बात। अगर हमारे पास जादू है और ये हमने सीखा हुआ है तो हम चाहे कहीं भी हों चिंता नहीं होती है, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं हम। अकेला आदमी 500 लोगों को, 500 छोड़िए 1000 लोगों को मैनेज कर सकता है एक आदमी। उसी के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं, ये वही जादू तो है। तो इसको अगर ढंग से सिखाया जाए ना तो
बड़ी आसान जॉब होती है ये, वरना सेफ्टी ऑफिसर जैसी मुश्किल जॉब नहीं है। सिविल इंजीनियर अपना काम कर रहा है, मैकेनिकल अपना करेगा, इलेक्ट्रिकल वाले अपना करेंगे, मैनेजर अपना काम करेगा, लेकिन सेफ्टी वाला साला सबका काम करेगा, उसको सबका काम देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल की वजह से भी एक्सीडेंट हुआ तो अपनी जिम्मेदारी है ना, उधर भी अपने को ही भागना है यार। किसी मशीन में बंदा आ गया, मशीन की वजह से एक्सीडेंट हुआ, मशीन खराब हुई, उसमें किसी को चोट लगी, मैकेनिकल का काम है ना, लेकिन चोट लगी ना साला वो अपना काम है, उधर भी हमें ही भागना पड़ेगा। अब वो सिविल इंजीनियर का काम है चिनाई करना, ईंट पत्थर सीमेंट लगाना ना, लेकिन वो कैसे लगा रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं उसके साथ में, और उनमें से कितने लोग अनसेफ काम कर रहे हैं, चोट खाने के चक्कर में हैं, चोट खाने का पूरा उनका जुगाड़ हो चुका है, वहाँ भी हमें ही भागना पड़ेगा, बहुत टेंशन है। लेकिन अगर सेफ्टी मैनेजमेंट हमको आ गया तो अपन इतनी आराम से मैनेज करेंगे, ठीक है कोई भी कैसा भी काम करो, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। और तरीका जिसको आ गया ना, मस्त एकदम लाइफ चलती है, सेफ्टी में ज़्यादा चिंता नहीं होती है, उतनी तो होगी जितनी ड्यूटी में होनी चाहिए, फालतू की नहीं होगी। उसी का एक पार्ट है बेटा जेएसए, एक दिन में मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा इसको, आज एक क्लास में ये पूरा नहीं होगा, इसकी सेकेंड क्लास कल देंगे अब, ठीक है। आज की क्लास दे रहे हैं, इसकी वीडियो आ जाएगी, कल जो वीडियो बनाएंगे वो कल डालेंगे, ये कम से कम दो दिन में तो पूरा होगा, तीन दिन भी लग सकते हैं, बट कोशिश करेंगे दो क्लास में इसको पूरा करें। तो आज इस पे आते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब मतलब कोई भी कार्य, सेफ्टी मतलब उस कार्य के दौरान की जाने वाली सुरक्षा, एनालिसिस मतलब विश्लेषण किसी भी, इसको जेएसए की मतलब जेएचए भी बोलते हैं कुछ जगह में। अगर कोई आपसे पूछ ले ना ये जेएचए क्या होता है भाई, डोंट बी कन्फ्यूज, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। सेफ्टी की जगह हैजार्ड लगा देना है, क्या लगा देना है, क्या बन गया, जॉब एनालिसिस, सिंपल एक ही चीज़ है। तो किसी भी कार्य के दौरान की जाने वाली सेफ्टी का विश्लेषण करना, सुरक्षा का विश्लेषण, कि भाई फलाना फलाना एक्टिविटी करनी है आज, वहाँ पे फर्स्ट मंजिल पे जाके जो है लेंटर डलने वाला है, काम आ गया ना, तो उस काम के बारे में अपने को काम शुरू होने से पहले एनालाइज करना है, उसको एनालिसिस करनी है अपने को, उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान लेना है, काम भी शुरू नहीं हुआ पहले ही अपने को पूरा ज्ञान लेना है, कौन सा काम होगा, कितने टाइम तक होगा, कितने आदमी लगेंगे, और उसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा। इंजीनियर को पकड़ के पूछेंगे, काम करने वाले मजदूरों के ठेकेदार को पकड़ के पूछेंगे, जो काम करने वाले मजदूर हैं जो सीनियर हैं उनको पकड़ के पूछेंगे, पहले हमने किया है तो बड़ी आसानी बात तो मुश्किल ही नहीं है, हमें पता है आपकी बार क्या करना है, नहीं किया फर्स्ट टाइम है तो सबसे पकड़ के पूछ के अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जॉब हैजर्ड एनालिसिस वही है, किसी कार्य के दौरान होने वाले खतरों का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, सेम चीज है ना। इसका करने का पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं, बस पहले इसके फायदे बता देता हूं। अगर जैसे हमारे पास है, जैसे एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्स होता है बेटा, वो कुछ नहीं है, कोई इंसान थोड़े है, वो एक डॉक्यूमेंट है, एक फार्म है, एक प्रोसेस है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, और वो चीज़ें जो हो सकती हैं, होंगी नहीं, हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। अब सोचिए जो चीज़ शायद कभी हो सकती है उसका भी इलाज हम आज ही करके बैठ जाएं, तो क्या अपने को चिंता होगी किसी बात की, सोचिए भाई। चोट लगने के बाद अपन हॉस्पिटल लेके भागें, लेकिन अगर हमें लगता है इसको चोट लग सकती है, और किस तरह की चोट लग सकती है, उससे रिलेटेड दवाई पट्टी पहले लेके अपन बैठ जाएं, तो चिंता क्या, ठीक है, पहली बात तो लगेगी नहीं, लग भी गई अपने पास चीज़ है ना, तुरंत काम करेंगे। ये वही चीज़ है, कोई भी एक्सीडेंट दुर्घटना को होने से पहले पहचान लेना, इसकी इंग्लिश में बोले तो जैसे इज ए टेक्निक, ये एक तरह की तकनीक है, द वे टू फाइंड हैजार्ड्स रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी बिफोर दे ऑकर। ये एक ऐसी टेक्निक है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है कि किसी भी काम के अंदर शामिल या उस काम के दौरान होने वाले खतरे को इससे पहले कि वो हमें परेशान करे या हमें तंग करे या हमारे साथ कुछ नुकसान करे, उससे पहले उस खतरे को पहचान लेना इसी तकनीक के द्वारा संभव है।
बाकी नहीं कर पाए। तो सोच लो ये एक ऐसी तकनीक है बेटा, अगर बनाना आ गया, ये फॉर्म भरना आ गया, अगर ये जैसे हमें बनाना प्रिपेयर करना आ गया, तो किसी भी काम में होने वाले खतरे एक्सीडेंट को होने से पहले मैं जान सकता हूँ वहीं बैठे बैठे कि ऐसा होगा। अब मुझे पता चल गया कि ऐसा होगा तो उसका इलाज तो मैं ढूंढ ही लूँगा, तो आज मैं वो काम तब करने दूँगा जब मेरे अनुसार वो इलाज करके चलेगा। मुझे तो पहले ही पता था होने वाला है, और उसका मैंने भी इलाज ही करा दिया और उस रूल को फॉलो भी कर दिया, तो हमारी चिंता कम हुई ना। 100 में से 80% तो गई, 20% बची है वो पूरा दिन घूम घूम के पूरी कर ही लेंगे ना, खाली थोड़े बैठेंगे, सुपरविजन भी तो करेंगे हम दिन में भाई साइट पे। फिर भी कुछ कमी लगी तो टोक के बोल के बता के समझा के दूर कर देंगे। इसको बनाने के फायदे, अगर ये बन गया तो पहली चीज़ क्या है कि हम अपने वर्क एरिया पे, अब अपने कार्यस्थल पर जो है ना, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट पैदा कर सकते हैं। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब, एक ऐसा वातावरण अपने मजदूरों के लिए हम पैदा कर सकते हैं जिसमें वो बड़ी सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से काम कर सके, उनके दिमाग से एक्सीडेंट और चोट नाम की चीज़ गायब हो जाए, इसके ज़रिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पहले ही मालूम होता है इसके साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। कोई भी नया आदमी आता है तो उसके लिए, कोई भी काम पे मजदूर आता है या कोई इंजीनियर आता है, कोई भी आता है, अगर हमारे साइट प्लांट में, कंपनी में, कहीं भी अगर कोई आदमी नया आया है, पहली बार आया है, तो उसके लिए इससे बढ़िया सेफ्टी की ट्रेनिंग हो नहीं सकती। इससे बढ़िया क्या ट्रेनिंग हो सकती है कि उसको काम करने से पहले ये दे के भाई इसको पढ़ थोड़ा सा, देख जो तू काम करने जा रहा है ना अभी इसमें ये वाली प्रॉब्लम, तो पूरा पढ़ के वो इतना समझदार हो जाएगा, उसको पहले पता चल जाएगा मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या होने देगा। अपन घर से बाइक लेके निकले, अगर पहले ही पापा ने बोल दिया बेटा इसकी जो है ना चैन टूटेगी, हम नहीं जाएंगे ना, या फिर पहले कहाँ जाएंगे, मिस्त्री के पास, सेफ हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही होता है जब कोई भी नया आदमी आता है, नए मजदूर आते हैं, इंजीनियर आता है, कोई भी काम करने आता है, जिस साइट पे जाएगा, जो काम करने जाएगा, हर काम के लिए बनाना पड़ता है, बेटा ये ध्यान दो, मैं बोलना भूल गया बीच में, ये हर उस काम के लिए बनाना पड़ता है जिस काम में एक्सीडेंट या रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फायदे आ रहे हैं ना, वो तो मैं बीच में लाने बता दी। तो फायदे क्या हुए, एक तो नए आदमी के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है, मेरे लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, हम हर तरह के एक्सीडेंट चोट को पहले ही पहचान लेते हैं, इसलिए इसका रेमेडीज, उसके उपाय, उसके सेफ्टी मेजर्स करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं, समझ गए होगे फायदे अपने को क्या क्या हैं। अच्छा, किस काम के लिए ये बनाना होता है, ये ऐसे काम के लिए बनाना होता है जो पहली बार हो रहा है, क्योंकि पता है क्या है? हमें मालूम नहीं है चल इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। एक काम हम पिछले एक साल से लगातार चल रहा है तो उसके तो ऑलरेडी बने हुए पड़े होंगे, नहीं भी बना होगा तो हमने को इतना ध्यान होता है कि इतने दिन से एक्सपीरियंस हो गया है, उनको ट्रेनिंग दे देंगे, हमने रेडी कर दिया और ठीक काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं भी है तो, वरना बनाए तो बेटर ही है। लेकिन अगर कोई भी नई एक्टिविटी, नया काम अगर शुरू होता है तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बनाने के बाद जब हमारे पास ये प्रिपेयर होता है तब ही हम आदमी को काम पे जाने देंगे। इसके अलावा काम को मॉडिफाई किया जाए या चेंज किया जाए, कि अभी पहले जो है काम होता था चार आदमियों द्वारा, एक छोटी मशीन थी, अब मशीन आ गई है बड़ी, उस पर आदमी करेंगे 10 काम, काम का प्रोसेस तो चेंज हो गया ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ गए होंगे, मतलब तरीका अलग हो गया होगा। एक काम होता था 6 फुट तक खड़े होके, अब एक काम होने लगा 18 फुट तक जाके, वही काम है लेकिन क्या करें उसका हाइट बढ़ गया, ज़्यादा काम होने लगा। तो जो जैसे या जो काम हमारा पहले हमारी ट्रेनिंग थी 6 फुट तक के लिए, क्या 12-15 फुट तक वही रहेगी? जो एक्सीडेंट 6 फुट पे हो सकता 18 फुट पे सेम है क्या? 6 फुट पे तो गिरा भी तो क्या होगा, पैर लगेंगे, खड़ा हो जाएगा वो, ऊपर से गिरा ना पैर लगेंगे ना हाथ लगेंगे, है ना। तो किसी काम में चेंज या जो उसको मॉडिफाई किया जाए, डेवलप किया जाए, तब फिर दोबारा जीएसए बनाना पड़ता है। हर नए काम के लिए बनाना पड़ता है, नए काम को चेंज करें तब भी बनाना पड़ता है। और जिस काम में खतरे के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या वो काम जब से भी चला है तब से उसमें इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसके लिए तुरंत जीएसए बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए तुरंत जीएसए बनाने की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। तो अब जो है जीएसए का फंडामेंटल आप जो है ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं सारे, तो अभी लंबी चलाएं या बाकी कल करें, मज़ा आ रहा है ना, ऐसे ही तो मज़ा आना चाहिए ना क्लास में।
चलो बनाने का तरीका बात करें, देखो पूरा तो नहीं बनेगा आज, लेकिन मैं चार पॉइंट बताता हूँ इसको बनाने के, ये ध्यान रखना। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला कोई भी काम लेना अपने को, सेलेक्ट ए जॉब बनाने के लिए, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं अपने पास तो जैसे किसका बनाए भाई, हैं? सेलेक्ट ए जॉब, पहला पार्ट। जॉब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब एक 10 फुट की दीवार तैयार करनी है भाई। हमारे को कंपनी ने उधर सिविल इंजीनियर को भेजा हुआ है कि आज ये वाली दीवार ना कंप्लीट हो जानी चाहिए 12 फुट तक की और 10 फुट ऊंची 12 फुट लंबी जो है ना, ये दीवार आप शाम तक पूरी करोगे, आपको 40 मजदूर दे दिए। लेकिन वो रिस्की तो है ना, तो उसके लिए हमें जैसे तैयार करना है, तो जैसे तैयार करने के लिए सबसे पहले जॉब तो होनी चाहिए हमारे पास। किसका तैयार करें हम, बैठे बैठे क्या जूता पहनने का करूँ? नहीं ना, हमारे पास काम होना ज़रूरी है ना। अब वो जॉब हमने सेलेक्ट कर ली कि भाई जैसे बनाना है उस चीज़ का, कल या परसों वो काम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले अपने को तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेलेक्ट ए जॉब। अब इसको ब्रेक इंटू पार्ट्स, इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। ब्रेक द जॉब कर सकते हैं, वो कैसे समझ आया? नहीं ना, समझाता हूँ बेटा। क्या एग्जांपल दिया था अभी अपने को, 10 फुट ऊंची दीवार बनानी है ना, लंबी चौड़ी जो भी छोटी दीवार बनानी है। जॉब तो आ गई अपने पास, हमने लिख दिया काम, लिख दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 10 फुट हाइट एंड 12 फिट क्या बोलते हैं उसको, विड्थ चौड़ी या लेंथ लंबी वॉल का जो है अपने को कंस्ट्रक्शन करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या ना, ब्रेक इनटू पार्ट्स। अब उसको ना हमें जो है हाँ बिल्कुल यही है, पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। अब पार्ट्स में कैसे बांटे हैं, सबसे पहले तो उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। क्या खुदाई बिना दीवार बनती है? क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन, नींव, नींव भरनी पड़ेगी ना। तो पहला पार्ट तो क्या हुआ, एक्सकवेशन, बन गया कि नहीं ये काम। एक्सकवेशन के बाद उसमें फिर बाद में डालने के लिए ईंट वीट चाहिए अपने को लगाने के लिए, तो ईंट कहीं से तो आएंगे ना उठ के, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भाई, उधर से जो उठा के यहाँ तक लाएगा वो हाथ वाली बग्गी से लाएगा कि ट्रैक्टर ट्रेली में लाएगा कि डंपर से लाएगा कि 10 मजदूर सिर पे लाएंगे, रिस्क है कि नहीं उस काम में, है कि नहीं है। तो ऐसे तोड़ना है उसको। फिर जब वो 5-6 फुट तक बनी जाएगी, उसके बाद क्या तैयार करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म, पैड बोलते हैं ना, पैड लगा दो मिस्त्री काम करे, हरियाणा पैड बोलते हैं, पता नहीं यूपी बिहार पंजाब में अलग अलग बोलते होंगे, अपन उसको इंग्लिश में बात करें प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो तीसरा काम क्या लिखे, प्रिपेयर ए वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने में भी तो लगना है टाइम भाई, वो खुट्टे ठोकने हैं, उस पर लगाना है, बांधना है, इतने ऊपर चढ़ के कोई बांधेगा वो भी तो गिर सकता है ना। वो बनाने के बाद फिर वर्किंग एट हाइट, भाई हाइट पे जाके तो काम करेंगे, 6 फुट से ऊपर चले गए तो। अब एक पार्ट वो हो गया हाइट पे, जो नीचे खड़े होकर पैदल कर रहे थे वो काम ऊपर थोड़े हो सकता है, ऊपर खड़ा भी उसी प्लेटफॉर्म पे होना है, सामान भी उसी पे रखना है, यहाँ से वहाँ भी उसी पे जाना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे काम करने हैं, रिश्त तो है ना। तो हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, इस जॉब को पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, इसके अलग अलग पार्ट लिख लेंगे पेज पे, क्या होगा अपने को आसानी हो जाएगी। अब तीसरा है आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स। क्या हुआ लिख लेना, इसको मिटाएंगे नहीं अभी, समझ लो लास्ट है, इतना ही है क्लास, एक दिन में तो पूरी होनी भी नहीं है बेटा। पहले जॉब ले ली, उसको पार्ट्स में तोड़ लिया, अब उसका अलग अलग एक एक पार्ट को अलग अलग रख लो, बाकी छोड़ो, सबसे पहले वाला आ जाओ, क्या था, फाउंडेशन, खुदाई करना है, एक्सकावेशन है, एक्सकावेशन को पकड़ो। अब एक्सकावेशन करते टाइम क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं वो लिखो सारे उस एक्सकावेशन के सामने, समझ गए? क्या हो सकता है भाई, कितना गहरा खोदना है, खोदने के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले उसके नीचे कोई बिजली की तार तो नहीं गई, कोई पानी का पाइप तो नहीं गया, कोई गैस की पाइपलाइन तो नहीं आई हुई है, किसी पड़ोसी का तो नहीं कुछ यहाँ से दब के टेलीफोन की लाइन वाइन गई हुई है कि नहीं है। वो आता है ना अपने को हैजार्ड के अंदर, भाई ऐसे मारेंगे तो
अच्छा वो वहाँ पे जो हम खुदाई कर रहे हैं हाथ से अगर करा रहे हैं मजदूरों से, तो वो नीचे पत्थर तो नहीं है उसमें कि वो मारे और स्लिप करके सीधी पैर पे आके लगे फावड़ा? तो ऐसे ऐसे जो है सारे हजार एक एक करके हमने तोड़ा था ना इसको, आठ पार्ट बना दिए उसके हमने, अलग अलग छः पार्ट बना दिए। अब छों को पाँच अलग करो, एक को पकड़ लो, अब उसमें सारे हजार निकालो, हजार लिख दिए उसके सारे, चल साइड दूसरा वाला आ जा भाई, उसके सारे हजार निकालो, हो गया लिख दिया, चल साइड तीसरा, एक एक करके उसके सारे हजार निकालो, जितने दिमाग में आ सकते हैं, जो लगता है कभी नहीं हुआ है, लेकिन हो तो सकता है, लिखने में कुछ जोर पड़ रहा है, दिमाग घिसाने का पैसा तो नहीं लग रहा, दिमाग घिसाओ जितना घिसा सको, जितने ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस, जितने हैजार्ड खोज सकते हो दिमाग लगाओ, खोजो अपने दिमाग से, इंजीनियर से पूछो, जिसने पहले काम किया है पुराना एक्सपीरियंस वाला होता है उसको बिठा के पाँच मिनट दस मिनट साथ में चाय पानी पीते पीते उससे पूछो साइड पे, बहुत लोग होते हैं, कुछ भी करके ये निकालो बेटा सारे के सारे, ये मेन है। अब ये निकल गया, चौथा मेन पार्ट, सॉरी ये तीसरा था, सॉरी गलती से लिख दिया हमने, चौथा मेन पार्ट बचाओ, पता चल गया हैजार्ड भी आ गए, अब तो यही बचता है इसका क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन करना है ना। अब अपने को क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स लगाने हैं सारे के सारे। एक एक हैजार्ड हमने एक में से पांच पांच छह छह हैजार्ड निकाल दिए, अब एक एक जॉब के पार्ट के एक एक हैजार्ड के बिल्कुल सामने उसका इलाज लिखना, एक एक के सामने परफेक्ट इलाज, कि भाई नीचे खड़ा है हाइट पे काम करते थे, ऊपर से पत्थर गिर सकता है, मिस्त्री कभी कभी ईंट वीट तोड़ लेते हैं ना, अब नीचे खड़े आदमी के खोपड़ी पे आगे लग सकता है, तो उसकी क्या रेमेडी है, हेलमेट। अब वो जो एक्सकावेशन खुदाई के लिए नीचे गए हुए हैं उनके पैर में कील लग सकती है, नीचे कुछ पत्थर रोड़ी कुछ भी हो सकता है, अगर वहाँ पे पानी वाली थोड़ी सी ज़मीन है वो जितना खोदेंगे पानी निकलता रहेगा, तो उसमें उनको क्या पता नीचे क्या है, तो उधर क्या पहन के जाना चाहिए अपने को, गमबूट, क्या गमबूट बेटा, जो यहाँ तक के होते हैं ना, पानी घुसेगा ना कुछ लगेगा, अरे वो बिच्छू कांटा भी आया तो टेंशन नहीं है ना, समझ गया अभी मेरे को, छोटे से छोटे हैजार्ड के सामने परफेक्ट उसके लिए बिल्कुल सूटेबल एकदम जो सही है वो सेफ्टी मेजर लिखते हैं, समझ गए प्रोसेस, चार ही पार्ट हैं, ये जिसको समझ आ जाता है वो कामयाब है। बहुत लोग मैंने बताया अभी भी जो है मेरी वीडियो देखने के बाद भी काफ़ी लोग जो है कमेंट करके फिर बोलते हैं सर सच में बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात, हमें आज तक भी नहीं पता थी, मुझे भी अच्छा लगता है, चलो कोई आदमी डिप्लोमा करके नौकरी तक कर रहा है फिर भी उसको ये चीज़ नहीं पता थी, आज मेरी वजह से जानकारी मिली, बड़ा अच्छा लगा, सीखो पढ़ो कहीं से भी पढ़ो। तो ये चीज़ आपको इसलिए बताई क्योंकि हमें करनी पड़ती थी, हम बनाते थे साइट पे, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में कहीं पे एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता है ना ट्रेनिंग देने वाला सिखाने वाला, वहाँ पे ये चीज़ कभी भी इतनी कंपेटेबिलिटी के साथ नहीं सिखाई जाएगी, बताया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हाथ में बुक लेके तो नहीं हम स्पेलिंग लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, इसीलिए एक एक को इतनी आसानी से मैं आपको बता सकता हूँ, और जितनी आसानी से जैसे मैंने आपको समझा दिया ना, मुझे एक साल लग गया था, एक साल पूरा बनाना ही नहीं आया क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, इंटरनेट से देख के उतना यार नहीं समझ में आता था, इंटरनेट से प्रोसेस समझ में आता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इतना प्यारा प्रोसेस तो कोई भी किताब नहीं बताएगा, किताब में ये चीज़ थोड़ी लिखी होगी कि ऐसे ऐसे कर लो, अभी सिंपल हो गया ना चारों में, अब दुनिया का चाहे कोई भी काम ले लो, तुम छोटा ले लो बड़ा नहीं ले सकते हो, तो छोटा काम ले लो, चाहे एक एसी है नीचे से चार आदमियों को मिलके दूसरी मंजिल पे पहुंचाना है, रिस्क है क्या नहीं उसमें, अपन उसका भी बना सकते हैं, सबसे पहला गाड़ी से उतारेंगे, ट्रैक्टर में है, रिक्शा में है, ऑटो में है, टाटा 407 में है, कहाँ पे हम मालूम नहीं ना, वहाँ से उतारेंगे एक पार्ट तो वही तोड़ देंगे भाई, जॉब तो लिख दी एसी को ऊपर तक पहुँचाने का अपने को है, अब उसके अंदर क्या क्या तोड़ेंगे, फिर उससे उतारने के बाद ऊपर तक लेके आना, ये सबसे बड़ा काम, एक पार्ट ये भी हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर वो जहाँ है उठा के वहाँ पे लगाना सेट करना, तीसरा एक और पार्ट है, फिर चौथा पार्ट क्या आएगा, फिर उसको बिजली में कनेक्शन भी तो करना है ना, तो उस एक एसी उठा के लगाने तक हमने चार पार्ट बना दिए, अब चार पार्ट के अलग अलग खतरे, जो गाड़ी से उतारेंगे ना उसी में कम से कम आठ सात खतरे निकाल देंगे हम, नीचे पैर भी आ सकता है, खींचता ही टाइम उंगलियाँ भी आ सकती हैं, उसको जो वहाँ से उतारेंगे एक आदमी के भी हाथ से छूट गया सबको गिरा के मार सकता है वो,
अच्छा, जब उसको रखने लगे तो सारे के सारे हाथ कैसे हटाएंगे? एक ने पहले हटा दिया, तीन के गए, तीनों ने हटा दिया तो एक का हाथ कटेगा। एक काम में हम कितने खतरे निकाल सकते हैं? उतने निकालने हैं, और हर खतरे के सामने उसका सॉल्यूशन है, उपाय, सुरक्षित उपाय, सेफ्टी का नियम क्या होता है वो लगाना है। ऐसे करके जैसे बनता है, और अपन बनाएंगे इसको कल, है ना? ये वाली चीज़ आज नहीं देता तो कल तक दिमाग ख़राब हो जाता है, अरे यार ये बता दो दीजिए बनेगा कैसे। तो अभी जो है इतना आपका है, फर्स्ट पार्ट आपका जैसे का कंप्लीट होता है, कल सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा फॉर्म आपको बना के सामने प्रोफार्मा लगा के उस पर आप ही से बनवाएंगे, पूछ पूछ के बोल के, बोलो इधर में क्या लगा है। तब ऐसा हो जाएगा कि फिर दोबारा ना मुझे बताने की ज़रूरत, ना आपको कहीं पढ़ने सीखने की ज़रूरत। जब भी लाइफ में 2 साल 5 साल 4 साल 6 महीने बाद जब भी आवश्यकता पड़ी तुरंत काम करोगे, किसी भी नई एक्टिविटी का भी बना सकते हो, क्योंकि प्रोसेस समझ आ गया ना अब तो। देखो एक बार अपने को गाड़ी चलानी आ गई ना, फिर मारुति 800 हो चाहे स्कॉर्पियो हो, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा लेकिन चला तो लेंगे, क्योंकि ड्राइविंग आ गई ना, तो ड्राइविंग तो आ गई आपको, अब गाड़ी कोई भी हो चला ही लेंगे। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। फिर आपसे जो है कल मुलाकात होगी सुबह सेकंड क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, हमारी आखिरी क्लास, लास्ट क्लास जेएसए का फर्स्ट पार्ट। तो क्लास में नहीं आए थे वो वीडियो देख सकते हैं, तो क्लास में आए थे वो भी आके ध्यान दें। ये तीन पार्ट में पूरा होगा, आज भी पूरा नहीं हो पाएगा। पहले मैंने आपको क्या बताया, जेएसए क्या होता है ये हम बता चुके हैं, और जेएसए का फ़ायदा क्या होता है वो भी बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जेएसए कैसे बनाया जाए। दो लाइनें पिछली क्लास की ले लेता हूँ, क्योंकि इतने मुझे नहीं लगता कि सबने वीडियो देखी होगी। जॉब शिफ्ट एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में विश्लेषण करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, कि ये जो काम हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ये काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी या मजदूर भाई जो हैं, उनको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या क्या क्या एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं उनके साथ होने के चांसेज हैं, और अगर ऐसा कुछ चांसेज है तो उसको हम होने से पहले ही कैसे रोक पाए। चोट लगने के बाद फर्स्ट एड देना या पट्टी कराना सोल्यूशन नहीं होता है, उसको हम सेफ्टी नहीं बोल सकते हैं। ऑलरेडी चोट लग चुकी है तो सेफ्टी कैसे हुई? सेफ्टी क्या है? कुछ भी नुकसान होने से पहले बचाना, उसको सुरक्षित रखना, उस नुकसान को या उस गलत चीज़ को होने से रोक देना, वही सेफ्टी है। जैसे बनाने का तरीका, देखिए आप लोग नए हैं, जैसे क्या होता है यही समझ में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रही बात जैसे बनाने की, तो ये मेरी वीडियो इंडिया में अलग अलग जगह काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उन सब की कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे पास कई कॉल आती हैं, बोलते हैं कि सर ये चीज़ अगर आप नहीं बनाते आज तो शायद हमें पता ही नहीं चलता, आज तक हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं थी। अच्छा है, किसी को अगर जानकारी मिल रही है तो ये कुछ चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे क्लास में आगे भी डालूँगा ना, ये चीज़ें ये मत सोचना बेटा कि सिर्फ फ्रेशर बच्चे को नहीं आती, ये चीज़ जो मैं जो यहाँ बताऊँगा ना वो नौकरी लगने के बाद भी नहीं आती लोगों को, क्योंकि क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता, तो यहाँ नहीं सिखाया जाता इसलिए वहाँ जाके वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि सामने चीज़ रखी है उसको क्या मालूम क्या है। मैं जैसे एग्जांपल में आपको बता दूँ, मैंने कभी किताब में बुक के अंदर अगर कुतुब मीनार को नहीं देखा होता और मुझे नहीं पता होता कि कुतुब मीनार है, तो मैं दिल्ली से चाहे 20 बार निकल जाऊँ मेरे को क्या मालूम है क्या है, ये कोई चिमनी है कि ईंट का भट्ठा है जिसे धुआं निकलता है कि क्या चीज़, अपने को मालूम नहीं है ना, लेकिन हमने पढ़ा है, उसकी फ़ोटो देखी है, तो जब निकलेंगे कहीं से दिखेगा वो दूसरे कोई पकड़ के बोलो भाई देख कुतुब मीनार दिख रहा है, समझे आप? तो यहाँ कोई चीज़ पढ़ के सीख ली जाए
तो जब हम साइट पे जाएं और हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ी कभी, तो हम तुरंत पहचान लेंगे। तो वही चीज़ है, तो पड़ी हुई है मैंने, जितना याद है परफॉर्म कर सकते हो, उतना नहीं है उसके लिए कहीं लिखा तो होगा थोड़ा बहुत, और नहीं भी लिखा होगा तो बड़ा अच्छा काम किया मैंने, डेली वीडियो डलती है, उसको तो 10 साल बाद भी निकाल के खोज के पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। तो बात करते हैं कि जे से कैसे बनाए, क्योंकि जे से एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा कार्य है हमारे दवा एक सेफ्टी ऑफिसर द्वारा किया गया, जो भविष्य में होने वाले नुकसान को आज ही पहचान सकता है। ऐसा बहुत कम होता है कि अपना भविष्य हम देख पाए, लेकिन ये अगर तैयार किया तो हम भविष्य देख सकते हैं, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। ये काम शुरू करने के बाद अगर हम ये सब चीज़ें ना देखें तो शायद कोई गिर के मर जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जैसे बनाना आ गया और मैंने बना के उसको फॉलो कर लिया, तो किसी को गिर के मरने की तो छोड़ो, मैं खरोंच नहीं आने दूंगा, इतनी बड़ी चीज़ है ये, इतनी ताकत है इसके अंदर। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है पहली क्लास में, एक तरह का सिर्फ फार्म है, एक फॉर्म है, फॉर्म भरा हुआ है, कागज़ है, एक प्रोसेस है। उसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि किसी एक कार्य को लेकर, कि भई जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कोई भी किसी भी तरह का निर्माण शुरू होने से पहले उसकी खुदाई की जाती है, खुदाई की जाती है तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सकवेशन। क्या है, क्या बोलते हैं खुदाई को, जानते हैं? नहीं जानता बेटा, लिख लेना, फिर दोबारा नहीं पूछना कभी। इसकी स्पेलिंग तक मालूम नहीं है बहुत लोगों को, स्पेलिंग छोड़िए, वैसे ही एक्सकवेशन बोलने में पागल उसको जो है जीभ साथ नहीं देती है, पूरा एक्सकवेशन बोला ही नहीं जाता है ढंग से। इसका हिंदी मतलब तो कहाँ से पता चलेगा, आज बता रहा हूँ। वो जो जैसे भी खुदाइयाँ करते हैं ना पाइप दबाने के लिए, वो खुदाई को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इंग्लिश में टेक्निकल नाम एक्सकवेशन ही है। और जिसको हम जेसीबी बोलते हैं ना, जेसीबी एक कंपनी का नाम है, किसी मशीन का नाम नहीं है, समझ में आया आपको? जेसीबी वो एक्सकवेटर बनाने वाली कंपनी का नाम है, वरना वही सेम वही गाड़ी जिसको तुम जेसीबी बोलते हो, वो एस्कॉर्ट की भी होती है, हैं? हाँ, हुंडई की भी होती है, हैं? कैट की भी तो होती है, बहुत कंपनियों की होती है, लेकिन यहाँ जो चलती है हमें लगता है कि वही उसका नाम है। जैसे कि हमारे बचपन में अपन जो कोलगेट दातुन करते थे, क्या सॉरी मेरे मुँह से वही निकला, कोलगेट है ना, सबसे पुराना कोलगेट होता था, अब चाहे पेप्सोडेंट हो चाहे क्लोजअप हो, हम लोग क्या बोलते हैं, कोलगेट करते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये जो शुरू में हमने कोई चीज़ सीखी होती है ना, आगे उसमें ब्रांड कोई भी आए हम उसी के नाम से उसको जानते हैं। तो ये जो मशीनें खुदाई करती है ना, उनको एक्सकवेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सकवेशन, तो उनका नाम क्या हो गया, एक्सकवेशन। जो फाइट करता है उसको क्या बोलते हैं, फाइटर। जो रेस लगाता है उसको क्या बोलते हैं, रेसर। तो जो एक्सकवेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सकवेटर। तो ये एक तो टायर माउंटेड होते हैं जिसको जेसीबी बोलते हो, एक चेन माउंटेड होता है जिसको पोकलैन भी बोलते हैं, देखिए ना दोनों तरफ, एक्सकवेशन खुदाई। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे बनाना है तो सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी निर्माण कार्य के दौरान, खुदाई। तो अब हमारे मैनेजर जो हैं या हमारे सिविल इंजीनियर साइड पे हैं, उन्होंने बोला कि कल जो है भाई यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट होगा। मैं तो नया हूँ, मैंने तो अभी सेफ्टी में ज्वाइन किया, सेफ्टी सुपरवाइजर हूँ, नया आया हूँ, और मेरे को बोल दिया गया वो कल से भाई वहाँ पे खुदाई का काम चलेगा, देख लेना। हमारे साहब का तो जरा सा शब्द लगा, उसने बोल दिया देख लेना, क्या देख लेना, वहाँ पे खड़े होकर ये देखी कि वो जेसीबी खुदाई कैसे कर रही है, वो नहीं देखना। उस कार्य के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कतें सामने आएंगी, कौन कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो देखने के लिए बोला है साहब ने हमको, ठीक है। तो वो टाइम में जैसे कर अगर नाम आ गया, साहब बोलेगा अरे उसका जैसे बना लेना कल एक्सकवेशन स्टार्ट होगा, वो तो बोल के निकल गए, हम तो कंफ्यूज हो गए, अरे बोल तो दिया साला बनाए कैसे, इसने बताया ही नहीं, और वो बताएगा भी नहीं बेटा, ध्यान रखना किसी भी साइड पे चले गए तुम्हारा सीनियर कभी भी ये नहीं सिखाएगा जैसे कैसे बनाना है, क्योंकि तुमको ये बनाना आ गया ना तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी,
जो नए स्टूडेंट्स मेरे को अभी आप या वीडियो में कोई भी मेरे को देखे, मैं सभी के लिए एक बात बोलता हूँ, सेफ्टी हमारे जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो कभी भी दिल से हमें ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर ये हम सीख गए तो ऑफिसर की क्या ज़रूरत रहेगी। इसीलिए कोई भी सुपरवाइजर लेवल के लड़के को बहुत कम चांस होता है कि जेएसए और रिस्क असेसमेंट और हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन वगैरह चीज़ें कभी भी बनानी आती हों, क्योंकि इनको कोई सिखाता ही नहीं है। मुझे भी नहीं सिखाया था किसी ने, मेरे को भी 4-5 साल नौकरी करते करते बाद में पता चला अरे साला ये भी कोई चीज़ होती है, इसको कैसे बनाए। फिर कहीं जुगाड़ ठंडा करके किसी किसी से सीख के वो चीज़। लेकिन आपको मैं आज यहीं बता रहा हूँ क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मेरे को पता चल गया वहाँ पे एक्सकैवेशन होने वाली है, हमारे साहब ने और इंजीनियर्स ने बता दिया भाई कल वहाँ काम शुरू होगा, सेफ्टी साहब देख लियो अपना काम, ठीक है भाई डोंट वरी मैं देख लूँगा। अब मेरा काम बनता है कि जब पहली बार किसी चीज़ का जेएसए बने, क्योंकि पहले से कोई काम अगर रेगुलर प्रोसेस में चलते आ रहा है तो उसका ऑलरेडी कहीं बना रखा होगा, उठा के खाली देखना है अपने को, है ना, क्योंकि भाई इतने दिन से कोई काम रेगुलर चल रहा है तो उसको तो बना हुआ होगा। लेकिन जब पहली बार मेरे सामने कोई काम आया और मुझे बोला गया कि बना दे, मैंने वो काम कभी नहीं किया तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भगवान थोड़े हूँ, मुझे क्या पता कल क्या होने वाला है। उसका तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया तरीका जो 100% कामयाब होगा, काम करेगा। क्या करना है हमें, कागज़ पेन लेके साइट पे जाना है और ये पता करना है कि कल जो काम होगा उसमें कौन सा ठेकेदार काम करेगा। इंजीनियर बता देगा वो बड़ा ठेकेदार करेगा भाई, ठीक उधर जाओ उनके पास, उस ठेकेदार के आदमियों में से सबसे पुराने आदमी को पकड़ो जिसने 10-12 साल 15 साल हो गए होंगे काम करते करते, उसको पकड़ लो। सेफ्टी साहब हो मना थोड़े करेगा, चला भाग के आएगा, हम साहब हैं भाई वो मजदूर है, आएगा उसको बुलाओ प्यार से बिठाओ साथ में, उसको समझाओ कि भाई जो भी उसका नाम है पूछ के बात करके, उसका नाम रामधारी हुआ, भाई रामधारी देख बात ऐसी है कि मैंने एक कागज़ बना रहा हूँ बहुत बढ़िया तुम सब लोगों के फ़ायदे के लिए, तुम सभी के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा कागज़ बना रहा हूँ कि अगर मैंने बना लिया ना तुम में से किसी को भी चोट नहीं लगने दूंगा। बोलेगा अरे साहब ऐसा होता है कोई, हाँ यार होता है तो मेरा साथ दो मैं बनाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है सब बनाओ, क्या करना है मेरे को बोलो, उसको बोलो कि भाई कल जब तू काम शुरू करे ना तो जैसे नॉर्मली काम करते हो वैसे ही रेगुलर काम करते रहना, लगातार वैसे ही काम करते हैं। ये मत सोचना कि सेफ्टी साहब देख रहा है मेरे को धमका देगा, जैसे तुम काम करते हो वैसे ही करो। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इतने सालों से रेगुलर जो काम कर रहे हो या आगे जो करते रहोगे उसके दौरान कितने खतरे तुम्हें सामना करना पड़ता है। अब वो लोग काम अपना शुरू कर देंगे, आपको क्या करना है पेन कापी लेके वहाँ बैठ जाना है सुबह से और उनको ऑब्जर्व करो काम करते हुए दिक्कत क्या होती है। जो वो हमारी एक्सकावेटर मशीन जहाँ खड़े होकर खुदाई कर रही है वो देखो कि वो जो मशीन चलाने वाला है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या ढंग से उसके टायर टिक नहीं रहे हैं, उसको बार बार खतरा रहता है मिट्टी खिसक जाएगी वो गिर जाएगा, वो बार बार मशीन को इधर से उधर कर रहा है, या उसको जो है आसपास में इतने आदमी हैं कि वो ठीक से घुमाता है तो उसको डर है कहीं आदमी में ना जाके लग जाए, या कोई और तरह की उसको प्रॉब्लम आती है, या फिर वो मट्टी जो उठा रहा है ऊपर रख रहा है बार बार नीचे गिर रही है। हर चीज़ को एक एक छोटी छोटी को आप लिखो उसमें, ये दिक्कत क्या हो रही है इसको, समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसके बाद फिर जो डंपर आ रहे हैं मिट्टी उठाने के लिए वो डंपर की वजह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं किसी डंपर में वो पीछे वाला सायरन है ही नहीं, वो ऐसे भटाभट भगा के लेके आ रहा है, आदमी खड़ा हो डंपर वाले को पीछे दिखेगा नहीं और वो सायरन नहीं बजा तो आदमी का ध्यान मशीन के खुड़के में उसमें जो आवाज़ में इतनी ज़्यादा शोर होता है उसमें उसको पता नहीं चले पीछे ट्रक आ रहा है आगे उसको ठोक दे सीधा, बैक कर रहा है कोई, बैक करते टाइम मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, मशीन का तो इतना आवाज़ है वहाँ 10 आदमी खड़े होंगे आपस में बातें करें उसको क्या मालूम पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, और उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रकों का एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ट्रक का ब्लाइंड स्पॉट होता है, साइड के शीशों में से साइड का दिखेगा बिल्कुल, अगर हम 45 डिग्री दोनों साइड से लेके बीच की बात करें तो कभी किसी ट्रक वाले को दिखाई नहीं देगा, गाड़ी वाले को नहीं दिखता, वो तो गाड़ी में क्या पीछे का शीशा क्लियर होता है तो शायद उसमें ऐसा पर दिख जाता है, ट्रक में थोड़ी होता है वो चीज़, डंपर में तो होता नहीं ना, वो डंपर तो बंद होता है पीछे से नहीं दिखेगा। ऐसी वाली चीज़ें
और फिर जो आदमी उस गहराई में नीचे जाके काम करें फिर खड़े होकर आराम से उनको पहले तो उतरते हुए देखो, उसने उतरे कैसे 10 फीट के गड्ढे में बिना सीढ़ी उतरे, तो रिस्क है यार ये तो पूरा। पहले उतरते उतरते सीधी मिट्टी साथ में गिरी तो नीचे न दबा लेगी उसको, या काम करते करते मिट्टी तो नहीं खसक रही है, वो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके पैरों में कुछ लग तो नहीं रहा है, काम करने में दिक्कत आ रही है कोई। ऐसी जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी प्रकार के खतरे मेरे को दिखाई दें, मैं सारे के सारे उसमें लिख के रखूँगा पूरा दिन। खतरे लिख लिए ना हमने, अब उस खतरे के लिए, उस खतरे से आदमी को बचाने के लिए सेफ्टी प्रोसीजर क्या लगाना है वो तो किसी ठेकेदार से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, या वो भी तुम किसी दूसरे से पूछोगे। भाई आदमी ऊपर 10 फीट से कूद के जा रहे थे, उसके लिए तुम क्या करोगे, उनको क्या दे दोगे, ये तो नहीं पूछना ना किसी से, बेइज्जती हो जाएगी, आराम करो, ये भी पूछ लिया लिखाएगा सेफ्टी साहब साला, ये भी मेरे से पूछ रहा है कि खतरा भी मैंने बताया है, अब ये भी मेरे से पूछ रहा है बचना कैसे, फिर तेरी क्या जरूरत है साले, खुद नहीं कर लूँगा। वो नहीं पूछना कभी, उस दिमाग की ही हम तनख्वाह लेते हैं। सेफ्टी ऑफिसर दिमाग से सोचने की, जुबान से बोलने की सैलरी लेता है, कभी भी हाथ से काम करने की तनख्वाह नहीं लेता। सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर सिर्फ मुंह से बोलते हैं और दिमाग से सोचते हैं, तीसरा काम होता ही नहीं, इसी चीज़ की सैलरी होती है। सोच लो तुम कितने लाख ले सकते हो या कुछ नहीं ले सकते। तो इसका प्रोसेस क्या था बनाने का, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें बेटा क्या चाहिए था, हाँ सिलेक्ट ए जॉब, वो तो हमें मिल ही गई, कल क्या काम होने वाला हो तो मिल ही गया, इसके अलावा भी कोई दूसरा मिले कोई बात नहीं है, कोई भी काम मिले तुम्हें काम होना चाहिए। सेकंड मैंने क्या बोला था, हाँ इसको जो है ब्रेक कर दो, ब्रेक इनटू स्टेप्स कर दो, इनटू पार्ट, जो भी लिखना चाहो आप। स्टेप्स मतलब उसको अलग अलग चरण में बांट दो। अब एक्सकैवेशन वाली चीज़ को अलग अलग चरण में हम बांट सकते हैं ना, पहला एक्सकैवेशन करना, दूसरा डंपिंग करना, उस मिट्टी को डंपर में डाल के लेके तो जाएंगे, डंपिंग करना भी तो हुआ, उसके बाद उसके अंदर जाके काम करना हुआ तो फिर उस काम को अलग लिखेंगे। तो एक काम के अंदर पहले तो मेरे को क्या, एक्सकैवेशन खाली बोल दिया खुदाई, खुदाई में एक काम थोड़े होता है, कई तरह के काम होते हैं। और अगर हमें सच में सारे खतरे ढूंढने हैं ना, तो उसको छोटे छोटे काम में बांटना पड़ेगा, उसे काम के कई चरण बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। अब छोटे छोटे चरण बनाने के बाद फिर तीसरा क्या बताया था, या गुड, आइडेंटिफाई द हैजार्ड्स। अब वो जो छोटे छोटे चरण हमने निकाले उसमें बैठ के वहाँ पे आराम से उन लोगों को देख के खतरे ढूंढने हैं, छोटे से छोटा भी नहीं सोचना, मतलब छोड़ना नहीं है। जहाँ पे मेरे को ये लगता है कि देखो हेलमेट हमें ऐसी जगह पहनना तो ज़रूरी है जहाँ पे ऊपर हमारे सर के ऊपर कोई काम चल रहा हो, क्यों ज़रूरी है, कुछ भी ये तो है ना। फिर बाहर खुले में घूम रहे हो हम तो हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिमाग लगा के देखो हम जहाँ खुले में घूम रहे हैं वर्किंग एरिया के पास, वहाँ कोई चीज़ फूटी टूटा या मशीन कुछ तोड़ रही थी और उछल के एक पत्थर जो है 100 फीट 150 फीट 200 फीट दूर तक आ भी गया तो लग सकता है कि नहीं खोपड़े। अब लोग सोचते हैं सर वहाँ तो चलो ऊपर में काम हो रहा था, हम हेलमेट लगा लिए, हम सर यहाँ खुले में खड़े होकर भी हेलमेट लगाएंगे, हवा नहीं लगेगा क्या हमारे सिर को, तो वहाँ पे क्या बोलना है उसको, बेटा हवा लगेगा थोड़ा सा और ज़्यादा दूर लगा ले। एक क्राइटेरिया कि भाई यहाँ कुछ काम हो रहा है, कोई भी उछल के उतनी दूर तो आ सकती है, तो वहाँ खुले में खड़े खड़े भी तो उसके सर में लग सकता है, हालाँकि कभी लगा नहीं किसी को, लेकिन लग सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है ना। हमने वही सोचना है जो कभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये तो हो सकता है यार, ये हो सकता है, अगर मैंने सोच लिया ना हो सकता है, तो दुनिया में होगा भी कभी ना कभी।
इसलिए उसका भी सलूशन निकाल के पहले से ही रखो, फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। जो हमने वहाँ तक का भी सोच लिया जो कभी हुआ नहीं है, अगर वो भी पहले से ही हमने खतरे में लिख के और उसका सेफ प्रोसीजर या उसका इलाज हमने ढूंढ लिया, तो शायद हमें नहीं लगता कि हमारी साइड पे कभी किसी को चोट लगे, है ना। इसका चौथा पार्ट क्या हुआ फिर? यस गुड, सेफ्टी प्रिकॉशन से देख लेते हैं। यही है ना, पी आर फ्री सी कुछ और तो नहीं। अब ठीक है, चलो ठीक कर लेना, मेरे से गलती हो भी जाएगा। सेफ्टी प्रिकॉशन, अब इसको मैं बिल्कुल लाइन से बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमें काम का पता चला तो सबसे पहले तो हमले को करना है, ये ऊपर वाला काम पता चल गया, उसके बाद उसको स्टेप्स में तोड़ना है। फिर वहाँ पूरा दिन बैठ के जो काम हो रहा है, अगर हम पहली बार बना रहे हैं, क्योंकि बेटा पहली बार बना रहे हैं, देखो अपने पर कोई बड़ा अफसर तो है नहीं जो बता देगा सिखा देगा, हमने खुद सीखना पड़ेगा। तो हम किससे सीख सकते हैं? काम करने वालों से। अब काम करने वालों को देखेंगे तब तो पता चलेगा इसको क्या दिक्कत हुई। हमारे सामने को ऊपर से कूदेगा, कूदते ही उसका पैर ठुक जाएगा तो हैजर्ड हुआ, एक तो सीधे के सीधे हमारे सामने मिल गया, या नीचे काम करते करते किसी को थोड़ी बहुत मिट्टी गिर गई, पूरा नहीं दबा लेकिन मिट्टी गिर गई, डले ढेले वगैरह कमर इधर उधर लग गए, चोट लगी उसको, आया कि नहीं है जाट निकल के बाहर। तो वहाँ बैठ के पूरा दिन हमें ये खोजना है, उसके खतरे खोजने हैं, सारे के सारे लिख के रखो पेज में शाम तक, चाहे 100 खतरे लिख दो, फिर एक एक खतरे के सामने उसका इलाज। भाई बीमारी तो ढूंढ ली, अभी इस जगह में 70 बीमारी हैं, अब 70 बीमारी में एक एक के सामने उसकी टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन तो लिखना पड़ेगा डॉक्टर को, हम लोग डॉक्टर हैं ना उस चीज़ के। तो हमने एक एक खतरे के सामने उसके सामने एक एक जो है उसका पर्टिकुलर सबसे बढ़िया बेस्ट जो उसे बचने का इलाज है वो लिखना पड़ेगा, ऐसे करना है। और ये कम्प्लीटली पूरा तैयार करने के बाद, बनाने के बाद जब काम शुरू होगा दोबारा, तो हर बार वो काम शुरू होने से पहले इसके तहत जैसा हमने इसमें लिखा था जितने खतरे हमें मिले थे उन्हीं के अनुसार सभी काम करने वालों को काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग देंगे हम हर बार। कि एक बार बन गया ना वो तो परमानेंट हो गया, दोबारा तो बनाना नहीं फिर हमने उसका, एक बार बना दिया तो हो गया काम। तो हर बार उसकी ट्रेनिंग देते रहे और वो ट्रेनिंग तब तक चलती रहनी चाहिए, 2 दिन 5 दिन 7 दिन या 10 दिन तक वो रेगुलर चलती रहनी चाहिए, जब तक उस काम में शामिल होने वाला हर एक इंजीनियर मजदूर लेबर कर्मचारी उस मीटिंग को ज्वाइन ना करे। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? कोई भी एक आदमी भी छूटना नहीं चाहिए, सबको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, रेगुलर चलती रहनी चाहिए वो मीटिंग हमेशा, और इसके बने हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए। इसके फायदे बहुत सारे हैं, फायदे मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे, ठीक है। अभी इतना है, कल जो है मैं आपको वो फार्म बना के दिखाऊंगा कि फार्म कैसे भरना है, ठीक है। ये तो अभी सीखा है ना हमने, अब सीख लिया और खतरे वतरे लिख भी लिए सारे, तो फिर वो फॉर्म कैसा होगा और उस फॉर्म को हम भरें कैसे, उसमें कहाँ क्या लिखना है, वो कल यहीं पे करेंगे कंप्लीट, ठीक है। कल जैसे का फॉर्म भरेंगे, आज ये खाली समझ लो, बहुत है। तो आज की क्लास आपकी स्टूडेंट्स जैसे का लास्ट पार्ट है ये, इससे पहले 2 क्लास हुई हैं जैसे की, दोनों लिए नहीं लिए तो लास्ट वीडियो हैं 2, जैसे पार्ट 1 और जैसे पार्ट 2, दोनों कंप्लीट करो वरना ये किसी काम का नहीं है। तो वो जैसे क्या होता है, क्या काम आता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और वो कैसे बनाया जाता है, ये दोनों क्लासों में क्लियर हो चुका है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अब तक पढ़ा ना वो पेज पे बनाना कैसे, ऐसे फॉर्म मिलेगा एक बना बनाया मिलेगा, जिस कंपनी में भी हम जाएंगे उस कंपनी का अपना होता है खुद का, वो बने बनाए मिलेगा ऐसे। इसमें हमें तो जैसे तैयार करना है, ये फॉर्मेट तो होगा वहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, क्या जैसे बनाने का सबसे पहला सेलेक्ट द
जॉब, तो इधर तो लिखेंगे ना किसके बारे में बनाने वाले हैं, अब समझ गए। जैसे ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस किस चीज़ के बारे में करना है, किस काम के लिए करना है, यहाँ वो काम का एक्टिविटी का नाम आएगा, समझ गए। इसके बाद एनालाइज बाय, एनालिसिस किसने की, मैंने की, मेरा नाम आएगा। सेफ्टी सुपरवाइजर ने बनाया, उस सेफ्टी सुपरवाइजर का नाम आएगा यहाँ। उसके बाद रिव्यू, वो जाके हम दिखाएंगे अपने सीनियर, यहाँ उनका नाम आया क्योंकि हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, कुछ कमी होगी तो सुधारेंगे, उसमें बताएंगे इधर ये नहीं बेटा, ये और ये करो, ये भी जो है उसमें होना चाहिए, साथ में ये भी लगाओ। वो रिव्यू करेंगे, जो कमियाँ होंगी फिर से दोबारा उसको बना के फिर दिखाएंगे, वो ओके करेंगे, तो लास्ट में हाई अथॉरिटी हमारा जो वहाँ का होता है उसको जो है मैनेजर या जो भी होगा उससे जाके अप्रूव करवाएंगे। देखिए सर ये ओके, वो देखेगा सारा, इन्होंने बहुत अच्छा जैसे बनाया है, काम के अंदर जितने एक्सीडेंट थे इन्होंने सारे निकाल दिए, जितने पोटेंशियल हैजार्ड्स थे इन्होंने सबके सब निकाल दिए, बड़ा अच्छा किया, ओके उसने अप्रूव कर दिया, हाँ मैं तुम्हारे जैसे को अप्रूव करता हूँ, इसको जाके साइट पर लागू कर दो, इसको जाके सबको ट्रेनिंग दे दो, हो गया। एनालाइज किस डेट में किया, फिर रिव्यू सेम डेट में हमने बना के शाम तक अगर रिव्यू दे दिया, रिव्यू के लिए अपने बॉस को दिया है तो सेम डेट है, वरना एक ही दिन में ज़रूरी नहीं है जैसे बनता है बेटा, क्योंकि ऐसे किसी काम के लिए जैसे बनाएंगे जो कम से कम चार दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, जब तक वो काम चल रहा रहेगा वहाँ पेन कापी लेके अपने को तो बैठना है ना, देखना है ना, वो जो काम कर रहे हैं उनको कितनी तकलीफ़ों का, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन काम करने वालों उनके सामने क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या परेशानियां और जो है पोटेंशियल हैजार्ड ऐसे खतरे उनके सामने आते हैं, वो सब हमें लिखने पड़ेंगे। तो जितने दिन का वो काम होगा उतने दिन में तो बनेगा ही ना, तो जिस दिन रिव्यू कराएंगे वो डेट आएगी, फिर उसके बाद जो अप्रूव होगा तो डेट आएगी। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होता है ये प्रूफ के लिए कि हमने अपने यहाँ पर हर लीगल एक्शन लिया था, लिया हुआ है, हम यहाँ पे जीएसए वगैरह सब फॉलो करते हैं, ये देखिए हमने बनाया हुआ भी है। ये तब काम आता है बेटा कभी सेफ्टी में, अगर इनकेस भगवान नहीं करे ऐसा हो किसी की साइड पे भी, जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना बहुत बड़ा, माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मेजर की, समझ गए आप, उसी बात कर रहा हूँ, किसी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी मर जाता है या ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वैसे टाइम में हमारे ऊपर कई तरह की इंक्वायरीज बैठती हैं फिर वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर पे, तो हमारे पास ये प्रूफ होना ज़रूरी है। देखिए सर मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, और जहाँ वो आदमी काम कर रहा था वहाँ ये चीज़ें ट्रेनिंग दी गई थी, और इसमें जो कुछ लिखा गया है वो सब मैंने वहाँ पर दिया था, वहाँ पर मैंने कराया था, सुपरविजन भी था, उसके बाद हुआ है तो कहीं ना कहीं मजदूर की गलती थी, हम हर जगह गलत नहीं हैं, ये काम आएगा हमारे, इसलिए बना के रखना ज़रूरी है, वरना रफ कापी पे बना के और ट्रेनिंग दे दो मजदूरों को जीएसए की, कोई दिक्कत नहीं है, मेन मकसद तो उनको बचाना है, लेकिन प्रूफ भी तो होना ज़रूरी है। अब देखिए जैसे हमारे पास गाड़ी है या बाइक है, हमें बड़ी अच्छी चलानी आती है, हम लेके चल दिए, लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं हो ड्राइवर नहीं है, बड़ी अच्छी चला लेते हैं, पर प्रूफ कहाँ है कि तू ड्राइवर है, मेरी बात घुसी के नहीं भेजे में हैं। एनालाइज तो हम बहुत बढ़िया करेंगे, ऐसे रजिस्टर अभी लेके बैठे वहाँ भी लेके बैठ जाना फटाफट, दो दिन में तीन दिन में बहुत अच्छा बनाएंगे हम, और बना के उसको लागू भी करेंगे, उसमें हमने जो चीज़ें सेफ्टी मेजर्स निकाले अपने दिमाग से वो सारे लागू करने के बाद ही हम काम शुरू कराएंगे, तो काम तो बड़े अच्छे से होगा, सेफ होगा, लेकिन अगर कहीं दिक्कत हुई, यानी कि अगर रोड पे पुलिस वाला मिल गया और उसने रोक के बोल दिया, कागज़ दिखा, वहाँ पे कैसे भी गलती से एक्सीडेंट हो गया या इंस्पेक्शन आ गया, उसने बोला जैसे बनाते हो, हाँ जी बनाते हैं, ट्रेनिंग दी हुई अच्छे से दिखाओ, सर बनाया था सिखा दिया, वो रफ कापी दिखाएंगे, देखिए इसमें बनाया हुआ है, वो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम्हारी कापी पे कौन साइन करेगा आगे कि हाँ मैंने अप्रूव किया हुआ है, वो तो इसको सब अप्रूव करेंगे ना, सिग्नेचर तो उनके होंगे ना, तो इसलिए ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है बेटा जो जैसे हम तैयार करेंगे, ये बना के हमें अपने फाइल में लगा के रखना पड़ेगा हर काम के लिए, क्योंकि जैसे किसी एक काम के लिए थोड़े बनेगा, जितने भी काम होने वाले हैं रिस्की सबका ही बनेगा, इतने सारे हो जाएंगे इकट्ठे, सब बना के रखना है। अब टॉपिक पे आए, सबसे पहले जॉब होगी थी हमारे पास जैसे बनाने के लिए, सेकंड पार्ट क्या होता है, ब्रेक द जॉब्स या फिर ब्रेक इनटू स्टेप्स,
तो वो जिन स्टेप्स में हमने उस काम को बांटा था वो एक एक करके एक नंबर, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया या चलता ही नहीं है, ये तो ख़त्म ही हो गया एक नंबर, उसके बाद जो भी थी जो, फिर दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे करके जितने हमने जॉब बनाए थे उसके अंदर जो हमने बांटा था उसको लगातार याद रखेंगे। अब ये जो एक नंबर था, इस एक नंबर के सामने ए बी सी डी जितने भी हैजार्ड हैं वो लिखेंगे टोटल। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था आपको, दीवार बनानी है, कोई भी एग्जांपल है, एनी बड़ी कोई भी किसी तरह की भी एक्टिविटी ले लो, जो भी दिमाग में है उसी को पकड़ो। ये जो हमने एक्टिविटी यहाँ लिखी थी सेम इसके सामने, इसके अंदर कितने खतरे हैं वो एक एक करके यहाँ लिखेंगे। लिख दिया, उसके बाद इस खतरे का जो हमें पर्टिकुलर बहुत बढ़िया अच्छा सलूशन लगता है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ था फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी किसी तरह का सामान, दुनिया की कोई भी वस्तु, फॉलिंग मतलब ऊपर से गिरेगी, ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी, ये काम करते टाइम, ये कोई ऐसा काम था, इस पर हम लिख देते हैं कि वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म, ये हमने लिख दिया वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है 12 फुट ऊपर, वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म, क्या खतरा है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से सामान गिरेगा, फॉलिंग द पर्सन, आदमी भी गिर सकता है, हैं, और हमारा जो है डैमेज प्लेटफॉर्म, जिस पे खड़े हैं वो प्लेटफॉर्म डैमेज हो सकता है, फटा टूट सकता है, रस्सी टूट सकती है, ऐसे करके हमने यहाँ खतरे लिखे। तो सेम खतरे के सामने उसका सोल्यूशन तो लिखना पड़ेगा ना, अभी हमने लिखा फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऊपर से सामान गिर सकता है, उसका यहाँ सेफ्टी मेजर क्या लिखे, वियर द हेलमेट, क्या ध्यान है कि नहीं है सभी का, यहाँ बोल नहीं रहे हो ना, मुझे लग नहीं रहा। तो बेटा अगर ऊपर से सामान गिर रहा है तो आदमी को क्या बोलेंगे हम, हेलमेट पहन के जा भाई, समझ गए कि नहीं मेरी बात। अभी अगर दूसरा हमने हैजार्ड लिखा था फॉलिंग ऑफ पर्सन, आदमी भी गिर सकता है, तो उसके सामने क्या सोल्यूशन लिखेंगे, सेफ्टी बेल्ट पहन के जाओ, हैं, वो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम किए तो गिरेगा नहीं ना। अभी हमने यहाँ लिखा चढ़ते उतरते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट वाइल क्लिंबिंग ऑन द लैडर, चढ़ना उतरना लैडर पे चढ़ते उतरते टाइम आदमी गिर सकता है, उसका यहाँ पे सोल्यूशन क्या करेंगे, चेक द चेक एंड इंस्टॉलेशन प्रॉपरली ऑफ लैडर, सीढ़ी को चेक करेंगे और वहाँ पे प्रॉपरली अच्छे से बांध के लगाएंगे, यही सोल्यूशन हुआ, समझ में आया जैसे कैसे बनाना है, हैं? कोई भी एक एक्टिविटी जिसका नाम यहाँ लिखा गया है उसको जितने छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि पूरा एक बार जॉब को लिख के अगर हम पूरा लंबा उसके लिखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो जैसे हमारे पास 100 किलो बोझ है, 25-25 किलो की चार बोरी पड़ी है, एक ही बार उठा के ले जाऊँगा टूट जाएगा भाई शरीर, साथ ले जा भी ना पाऊँ, अगर उनको एक एक करके लेके जाऊंगा तो मेरे ख्याल से आराम से पहुंचा सकता हूं और बिना नुकसान के। तो अपने को क्या करना है, ये 100 किलो को 25-25 में बांटना है ना, उस एक बड़ी जॉब को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, उसके स्टेप्स बनाने हैं, फिर एक छोटे स्टेप के खतरे तो आराम से निकल ही जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी जॉब के बारे में नहीं सोचना एक टाइम में, सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में सोचना है ना। ये पूरा हो गया, खतरे क्या है, आगे जाने से पहले इसके सामने उसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो लिखना है, ये भी हो जाएगा। फिर दूसरी को पकड़ेंगे, जब तक एक प्रॉपर पूरा नहीं होगा दूसरा काम हमने पकड़ना ही नहीं है। उसके सामने इसके अंदर अगर एक खतरा है तो एक दो है तो दो चार पांच जितने भी हैं इसके खतरे लिखे जाएंगे यहाँ पे, लिख दिया। उसके बाद हर एक खतरे के सामने हर एक खतरे का सोल्यूशन, उसका बचाव का तरीका लिखा जाएगा। तो अब बताओ जब ये पूरा हम तैयार कर लेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो जिस काम के लिए हमने जैसे बनाया था वो काम करने वाले किसी भी मजदूर को चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का कितने परसेंट चांस है, बहुत ही कम है ना, क्योंकि काम शुरू भी नहीं हुआ है, हमने ये खोज के निकाल दिए जो उसके साथ होने वाला, पहले ही खोज ही निकाल दिया, और उसको बचाएंगे कैसे वो भी पहले ही खोज लिया।
तो जब साइट पे जाके खड़ा होगा ना मजदूर, तो इनमें से जिस काम में जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे ये चीज़ लेके जा, लगा उसको तब काम पे जा, हो गया कि नहीं सेफ अपना है। जैसे मैंने बताया था सेफ्टी ऑफिसर एक जादूगर होता है, 200 400 500 आदमी एक साथ एक जगह में जब काम कर रहे होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के, एक आदमी कैसे देखेगा सबको, वो तो पागल हो जाएगा। एक वो भाग भाग के आ जाएगा, तब तक उधर से फ़ोन आ जाएगा, अरे सर इधर वो आदमी वो मशीन में फंस गया, उसका हाथ एक बार भाग के आओ। उधर हम गए तब तक वो कोई वेल्डिंग करा रहा था, उसने आँखों में चिंगारी मार ली, करंट लग गया, कहाँ कहाँ भागेगा आदमी। तो जो सेफ्टी ऑफिसर जादूगर जो होता है वो कौन सा जादू है कि इधर से इस चेयर पे बैठ के भी मेरे को जो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है मैं उसको भी सेफ रख पाऊँ, ऐसे जादू कौन सा है। अब महाभारत रामायण तो रही नहीं, वो ऐसे करके तीर मारे और बारिश हो जाएगी, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, जादू तो दिमाग का खेल है, ये उसमें से एक जादू है बेटा। अब आप ही सोचो आपके साथ जो होने वाला है कोई इंसान पहले ही उसका पता लगा कर आपको बोल दे कि ऐसे करके जाना बच जाएगा, जादू नहीं है तो और क्या है, है ना। हम वही जादूगर हैं, वो जादू सीखो। ये है JSA का फॉर्मेट, क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है। अभी मना करोगे जब मैं पूछूंगा तो कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, अब भी नहीं पता चला बेटा, ये दिमाग में कभी नहीं लगा सकता। मैं यहाँ लिख सकता हूँ किसी भी जॉब का नाम, यहाँ लिख के उसके पार्ट में अब भी बना सकता हूँ एक मिनट से पहले, बिकॉज ऑफ मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं ही लिखूँगा तो अपना दिमाग कहाँ खिंचाओगे फिर, बोलो। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, इसका मतलब ये होता है कि शायद आपको जो पढ़ाया जाता है वो ध्यान नहीं होता है। देखो, एक मैंने क्या बताया था, मेरे को याद आ रहा है, एक AC है ये वाला, अपने को नीचे गाड़ी से उतार के यहाँ लगाना है, एक ही काम है, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन, इतना ही है ना। लेकिन इंस्टॉलेशन का क्या मतलब है, ऐसे जेब में से निकाल के वहाँ लगा के टाइट कर देंगे उसको, ये तो खाली जॉब हुई ना, तो उसके पार्ट्स क्या करोगे, अपनी सहूलियत के अनुसार मेरे को पार्ट बनाने पड़ेंगे बेटा, एक एक पार्ट। क्या सबसे पहला पार्ट है, वो गाड़ी से उसको नीचे उतारना है। हाँ, एक नंबर वही तो है, उसका पहला स्टेप लिखना है यहाँ, उसका पहला स्टेप यहाँ लिखना है। और ये एक ध्यान रखना बेटा, इंग्लिश में होता है, सॉरी इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा आपका, हिंदी में नहीं बनती है ये चीज़ें। कहीं भी जो चीज़ भी सेफ्टी में या फायर में आपको यहाँ बताई सिखाई जाएगी, हिंदी में एक भी फॉर्म या एक भी रिपोर्ट नहीं बनेगी कहीं भी। हाँ, हमें बिल्कुल अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना आ जाए, पढ़ना आ गया तो लिख भी लेंगे ना, क्योंकि मेरे को मालूम है पहली बार क्या लिखा था, लिख दो यार, इतना तो होता है। मुझे भी आज तक ढंग से टेंस नहीं आते हैं इंग्लिश के, बट फिर भी मैं इंग्लिश बोल भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, सिखा भी देता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी इंग्लिश यूज़ की है ना लाइफ में कि खुद ही पता चल जाता है इज के बाद क्या आएगा, एम के बाद क्या आएगा, आर से पहले क्या आएगा। क्योंकि एक ही लाइन को हम अगर ज़िंदगी में 100 बार पढ़ेंगे तो किसके बाद क्या आता है खुद ही पता चल जाता है। अभी हमारे बूढ़े होते हैं, उनको अंग्रेजी थोड़ी आती है, तुम फ़ोन दे दो वो निकाल लेगा मैसेज किधर है, वो ये भी निकाल लेगा फ़ोटो किधर है, निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा, उसको नहीं मालूम है कि इधर ये इंग्लिश में गैलरी लिखा हुआ है। लेकिन जिसको ये पता है कि ये वाला शब्द है ना, इसको दबाने से फोटो निकलते हैं, मेरी बात को समझो, आप तो पढ़े लिखे हो फिर भी। तो धीरे धीरे जब इंग्लिश के हम जो है कोशिश करेंगे वर्ड्स को पढ़ने की, उनको लिखने की, तो सीख तो अपने आप ही ना जाएंगे, इसलिए इंग्लिश जरूरी, ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो जो एग्जाम्पल पूछ रहे थे अभी, वो AC को अगर हमने लगाना है तो यहाँ तो लगा बोल दिया AC लगाना है, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन, बट उसके बहुत स्टेप है भाई। सबसे पहला तो गाड़ी से उतरना है, अनलोडिंग फ्रॉम द व्हीकल, एक्सीडेंट नहीं होता उस टाइम पे, हाथ नहीं कटते हमारे, बीच में उंगलियाँ नहीं आती, छूट गया तो पैर नहीं कट जाएगा किसी का। फिर वो स्टेप हुआ क्या नहीं हुआ, एक उसको लिख दो, अनलोडिंग द एयर कंडीशन। उसके बाद ट्रांसफर टू थर्ड फ्लोर, नीचे से तीसरी मंजिल पे लाना आसान है क्या, 2 टन का AC जो है वो साला कम से कम 60-70 किलो का तो होगा,
है कि नहीं है? ऐसे ही ले जाएंगे क्या उसको? ऊपर से छोटा है, 6 आदमी लगा भी नहीं सकते हाथ, जगह कम है, आदमी भी 3 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 4 लगा सकते हैं। अब ऐसा कोई दिया नहीं गया है जहाँ पे फटाक से उंगली गुजर हम पकड़ लें, है ना, कहीं से भी हाथ छूट सकता है, मुश्किल है ना वो काम। या हम ओवर स्टेप लिख दो। तीसरा, उसको जिस विंडो पे लगाना है वहाँ इंस्टॉलेशन ऑन द विंडो, समझेंगे नहीं? तो जब तक इसके हम टुकड़े नहीं करेंगे तब तक हमें इसके हैजार्ड्स कभी भी पकड़ में नहीं आएंगे। आएंगे, एक आध मोटा मोटा आएगा, लेकिन सारे नहीं आएंगे। अब हमने सिर्फ यहाँ पे अनलोडिंग द एसी लिखा ना, इनका तो ध्यान ही नहीं करना आगे वालों का हमने, क्योंकि लिखे ही नहीं अभी तक, एक ही लिखा है ना, सिर्फ इसी पे फोकस होगा ना हमारा, तो दिमाग लगा क्या बैठेंगे? जब उसको ऊपर से एक आदमी उतार के धकेलेगा तो सामने से 2 आदमियों को पहले उसको पकड़ना पड़ेगा, 2 आदमी पकड़ के जब तक बाहर लेके आएंगे, फिर पीछे 2 आदमियों को आगे भी हाथ लगाने पड़ेंगे, नीचे ईंट पत्थर हुए तो किसी का पैर स्लिप किया, सारे मरेंगे, सारी चीज़ें आएंगी कि नहीं ध्यान में? इसीलिए हमें इसको टुकड़ों में बांटना ज़रूरी होता है। अब इसके हैजर्ड लिखेंगे तो उसके सामने लिख देंगे ना हमें क्या क्या करना है। पहले नीचे ईंट पत्थर नहीं होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, है पकड़ने वालों के हाथ चिकने नहीं होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए हाथों में, तेल नहीं होना चाहिए, पकड़ेंगे ढंग से, है, और सभी के अंदर कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए। हाँ भाई पकड़ू, हाँ आप पकड़, आपस में बात नहीं करेंगे तो क्या पता उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ा नहीं अभी तक, क्या पता उसने पकड़ लिया और इसने अभी तक पकड़ा ही नहीं है। ऐसे ही तो निकालोगे खतरे, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सोचने की ताकत ऊपर वाले ने दी है। मैंने आपको बोला कि ये वाले रास्ते पर आप सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाओ, ITI चौक आ जाएगा। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वहां तक कितने कदम चलना पड़ेगा, हैं, मैं ये थोड़े बताऊंगा कि तेरे को पैदल जाएगा तो तेरे पैर भी दुखेंगे। मैंने आपको बोल दिया ना रास्ता, इस रास्ते पे जाना है, तो इस पे तुम बाइक से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, पैदल जाओगे, उड़ के जाओगे, आई डोंट नो। इसको कैसे बनाओगे, मतलब कहने का रास्ता दे दिया, मैंने फॉर्म ही दे दिया पूरा का पूरा तुम्हें, ये फॉर्म कहीं नहीं मिलता है, मैंने फॉर्म दे दिया ऐसा, बाकी कंपनी में जाके बात करोगे तो निकल के आएगा वो, लेकिन एकदम से फॉर्म तुम्हारे सामने आता है तुम्हें पता लगता है ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, हैं, ये कौन करेगा साइन, तुम्हें पता चलता है ये क्या चीज़ है, हैजर्ड मतलब ये क्या, किधर से क्या निकलेगा। लेकिन आज इतना आइडिया तो आ गया ना कि ये फॉर्म हाथ में आया तो मेरे को मालूम है क्या करना है, थोड़ा बहुत डाउट रहा था किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा किससे पूछेंगे, सेफ्टी ऑफिसर तो साला हम खुद हैं, तो सेफ्टी के बारे में मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बताएगा तुम्हें, वो तो मजाक उड़ाएगा, अरे साला कहाँ पढ़ के आया बे, तू सेफ्टी वाला है, तुझे ही नहीं पता सेफ्टी कैसे करनी है, मैं क्यों बताऊँ, समझे? ऐसे बनता है। और एक काम है, आप लोग जो भी फिलहाल अभी मेरे को पढ़ रहे हो, जो नहीं है क्लास में उसके बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी जो हो या जो नहीं होगा वो बाद में वीडियो देखेगा, इसके बाद एक जैसे आप अपने दिमाग से बनाओ, बेटा जब तक नहीं बनाओगे दिमाग में नहीं घुसेगा, चाहे तुम कितनी हाँ कर लो मेरे सामने, हाँ जी आ गया मेरे को, नहीं आएगा। घर बैठ के एक पेज लेके अपने दिमाग में, अपने घर बनते हुए तो सबने देखे हैं ना, या नहीं देखा है भाई, घर बनते हुए देखा है, देखा है ना, तो आप जो है उसमें से किसी एक काम का जैसे बनाओ, दीवार का नहीं बना सकते ना, तो जिस टाइम छत डाल रहे थे ना उस टाइम का जैसे बना दो, कोई बड़ा काम थोड़े ना है, वह हिंदी में बना लो, तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत आ रही हिंदी में बना लो, कोई बात नहीं है, सीखने के लिए तो बना ही सकते हो, कौन सा किसी से प्रूव करवाना है। अब उसके टुकड़े करके, एक एक टुकड़े के खतरे और खतरे के सामने उसका सलूशन लिख के दिखाओ, मुझे दिखाओगे बहुत बढ़िया है, मैं कमियां बताऊंगा, ये बहुत अच्छा किया और यहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी, इसको सुधार, नहीं दिखाओगे कोई बात नहीं, तुम्हें आ तो जाएगा, बना सकते हैं। तो आप में से जो भी जिसको लगता है मैं ये बना सकता हूँ कोशिश करो, क्योंकि बेटा जितने नौकरी लागे उतना बनाना पड़ेगा, और अगर ये बना दिया ना तुमने, सेफ्टी सुपरवाइजर के लेवल से ऊपर आ जाओगे, क्योंकि किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं आती हैं, किसी कॉलेज में जाके पूछ के देखना, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिखाया भी जाए, और अगर सिखाया गया तो इतने आसान तरीके से हो कि मेरे को तुरंत समझ में आ जाए। ये मेरी वीडियो देख के लोग बोलते हैं सर
इतना अच्छा आसानी से हमें पहले नहीं समझ में आया कभी भी, आज आया। तुम तो मेरे सामने बैठे हो, बना के देखना किसी भी काम का, एनीथिंग एनीबडी, जो तुमने ज़िंदगी में काम होते हुए देखा हो, लगता है कि वहाँ पे किसी को चोट लग सकती थी या कभी लगी हो, उस काम का बना के देखो, कोशिश करो। एक बार गलती करोगे दो बार सही कर दो, ओके। तो ठीक है, मैं क्लास लंबी नहीं करूँगा, आपका जीएसए कंप्लीट होता है आज, तीन पार्ट हो चुके हैं इसके, तीनों पार्ट में जीएसए पूरा करा दिया है मैंने आपका। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक आपकी प्रैक्टिस, ओके।